हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम। एंड यस, सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियो एज आई वाज बिट डाउन विद द फीवर नाउ आल्सो, बट एनीवेज करते हैं स्टार्ट विद एमसीक्यूज फ्रॉम 101 टू 105। 105 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले 105 इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द क्लेम ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75। मेरे साथ फटाफट से रिपीट कीजिए। ड्यूटी ड्रॉबैक में हमने क्या पढ़ा था? ड्यूटी ड्रॉबैक में देर आर टू सेक्शन, वन इज 74, अनदर वन इज 75। 74 कब आता है? 74 आता है When we import some goods and we export it as it is, मतलब same goods को हम export कर रहे हैं, same goods को export कर रहे हैं, चाहे वो with use है चाहे वो without use है। But in case of section number 75, we talk about some things which we have imported some material and we use that material as an input in some manufactured goods. Then the manufactured goods is exported, then it comes into picture ऑफ द सेक्शन नंबर 75। तो 74 क्या बात करता है? एज इट इज एक्सपोर्ट की। 75 इज टॉकिंग अबाउट व्हेन यू एक्सपोर्ट द गुड्स, मैन्युफैक्चर वाली गुड्स, जब आपने किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट को एज एन इनपुट यूज किया है इन सम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये टॉक अबाउट कर रहा है सेक्शन नंबर 75 की। साथ साथ हम पढ़ेंगे, साथ साथ देखेंगे कौन कौन सी चीजें करेक्ट नहीं है। तो जो जो करेक्ट होगी वो हम देखते रहेंगे एंड जो करेक्ट नहीं है वो भी हम देखेंगे कि ये क्यों करेक्ट नहीं है, क्या बात ये कर रहा है। चलिए सबसे पहले क्या बात कर रहा है? अपर लिमिट ऑफ द ड्रॉबैक इज द 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। मैंने आपको क्या बताया था? ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करा रही हूं। हमने क्या करा था? कितना मैक्सिमम आपको ड्रॉबैक मिलेगा? मैक्सिमम ड्रॉबैक आपको कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। मान लो आपकी एक्सपोर्टेड वैल्यू है 1000 रुपीज, आपको उसको उसके ऊपर 70 रुपीज का क्या मिलना है? ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इतना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना है। बट उसका जो मार्केट प्राइस है, उसका जो मार्केट प्राइस है द अपर लिमिट ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्रॉबैक इज ऑफ द 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। जो एक्सपोर्ट हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका मार्केट में प्राइस क्या है? मान लो उसका मार्केट में प्राइस है सिर्फ 600। मार्केट में प्राइस है उसका, मान लो 200 कर लेते हैं, चलो 200 है इसका मार्केट में प्राइस। तो इसका 1/3 क्या आएगा? इसका 1/3 क्या आएगा? 210 कर लेते हैं, 180 करते हैं, चलो ज्यादा समझ आएगा। इसका 1/3 क्या आएगा? इसका 1/3 आएगा 60 रुपीज। तो मैक्सिमम ड्रॉबैक आपको कितना मिलेगा? 60 रुपीज। अपर लिमिट कितनी आपको मैक्सिमम ड्रॉबैक मिलती है? 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। जो प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट करा है उसकी पहले ड्यूटी ड्रॉबैक को किससे कंपेयर करना है? उसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस क्या है उसका 1/3 कर लीजिए। ड्यूटी ड्रॉबैक से कंपेयर करना है किसका? 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस को कंपेयर करना है ड्यूटी ड्रॉबैक से, लोअर ऑफ द टू का आपको मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम आपको इतना मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ये बात तो एकदम करेक्ट बोली है, इससे तो कुछ भी गलत नहीं बोला है। उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड सेफ गार्ड ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द ऑल इंडस्ट्री रेट्स ऑफ ड्रॉबैक। ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हैं एंड सेफ गार्ड ड्यूटीज हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन ऑल इंडस्ट्री रेट्स। ऐसा नहीं है, अगर आपको याद भी नहीं है इट्स ओके, अब समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। क्या है? जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, ऑल इंडस्ट्री रेट जब डिटरमाइन होता है तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। आप उसके लिए क्या कर सकते हो? सेपरेट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो फॉर फिक्सिंग द ब्रांड रेट। हमने पढ़ा था जब ऑल इंडस्ट्री रेट में आपकी कोई चीज कवर नहीं हो रही है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्पेशल ब्रांड रेट। स्पेशल ब्रांड रेट आप उसको क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो फॉर फिक्सिंग द स्पेशल ब्रांड रेट। ये बात इसने सही बोली है, ये बात इसने सही बोली है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द एक्सपोर्टेड गुड्स। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी, बैगेज की बात करी थी। 74 में बैगेज कवर था, 74 में बैगेज कवर था और 75 में बैगेज कवर नहीं था। ठीक है, 74 में बैगेज कवर था, 75 में बैगेज कवर नहीं था। तो ऐसी ही कोई भी एक्सपोर्ट है या नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो ये भी गलत बात कर रहा है। तो रोंग आंसर्स कौन से हुए? रोंग आंसर्स आर सेकंड एंड द फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ आर द रोंग आंसर। सी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम, वी विल चेक इट लेटर ऑन। अभी हम फटाफट से अपने फिनिश कर लेते हैं। सी इसका होना चाहिए हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 105।
104 किसकी बात कर रहा है, 104 इज टॉकिंग अबाउट स्टेप वाइज प्रोसीजर, स्टेप वाइज प्रोसीजर बता रहा है। देखो आपको अगर क्लैरिटी भी नहीं है ना, थोड़ा सा जनरल जनरल वे में चलिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, ग्रांट ऑफ एंट्री इन एंट्री इनवर्ड्स इनटू वेसल, कोई पर्सन वेसल लेके आ रहा है उसको एंट्री इनवर्ड देनी है, ठीक है, हमने पढ़ ली है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, जो पर्सन आ रहा है वो क्या बताएगा, बताएगा कि मेरे पास कितने कितने गुड्स मैं लेकर जा रहा हूँ, उसकी इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में होगा कि कितने कितने गुड्स हैं। तो एक बात बताओ, पहले उसको एंट्री मिल जाएगी या पहले उसको बताना पड़ेगा, पहले वो गुड्स का हिसाब कब लेगा, वो चलने से पहले लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट फर्स्ट आएगा ना, ये पॉइंट फर्स्ट आएगा कि फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा कि इतनी इतनी गुड्स, इतने इतने गुड्स, ऐसे ऐसे मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको एंट्री इनवर्ड्स मिलेगी, उसके बाद उसको एंट्री इनवर्ड्स मिलेगी। जो पर्सन वेसल में गुड्स लेकर आ रहा है, पहले बात तो वो लेने से पहले सब हिसाब किताब लेगा, कौन कौन सी गुड्स कितनी कितनी है, उसके बाद उसको एंट्री इनवर्ड मिलेगी, फिर वो गुड्स को अनलोड करेगा, फिर वो गुड्स को क्या करेगा, लोड करेगा। ये तीन पॉइंट्स थे वेसल वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज थ्री पॉइंट्स आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेसल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेसल। अब आ जाते हैं इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर सबसे पहले क्या करता है, फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्टर सबसे पहले क्या करता है, फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री, फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री। देन वो क्या करेगा, गुड्स की असेसमेंट, हमने पढ़ा ना बहुत सारी असेसमेंट होती है, सेल्फ असेसमेंट भी होती है। पहले तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, यस मेरी ऐसी ऐसी गुड्स आई हुई हैं, उसके बाद वो बात करेगा असेसमेंट ऑफ द गुड्स की, गुड्स की वो असेसमेंट करेगा, लास्ट में वो क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। मेरे साथ बिना देखे रिपीट करना है आपने। सबसे पहले क्या होगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल होगा। इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल में क्या होता है, बताया जाता है कि कौन कौन सी गुड्स, कितने कितने गुड्स टाइप की वेसल में आ रही है। फिर जैसे ही वो वहां से लेकर चल पड़ा वेसल को, देन ही विल बी ग्रांटेड एज एन एंट्री इनवर्ड, एंट्री इनवर्ड उसको मिल गई, मतलब वो अंदर जा सकता है, पोर्ट के अंदर वो जा सकता है। देन ही विल बी अनलोडिंग हिज गुड्स, उसके बाद इंपोर्टर क्या करेगा, फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री, देन असेसमेंट ऑफ द गुड्स, देन ही विल बी पेइंग द ड्यूटी फॉर द गुड्स। तो देखते हैं हमें इस ऑर्डर में देखना पड़ेगा, 213546, 213546, 213546, यस डी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। एक बार हम इसको फिर भी लास्ट में चेक कर लेंगे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है। 103 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है इन रिलेशन टू द रिफंड। रिफंड के कुछ चैप्टर की कुछ पॉइंट दे रहा है, उसमें इनकरेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट की वो बात कर रहा है। अभी हम देखते हैं, साथ साथ हम देखते चलेंगे क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। चलिए इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड इज पेबल टू द एप्लीकेंट ओनली इफ ड्यूटी ऑर्डर टू बी रिफंडेड नॉट रिफंडेड विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या पढ़ा था, ये बात हमने ध्यान रखी थी कि जब भी इंपोर्टर पे लायबिलिटी होगी, इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर पे लायबिलिटी होती है पे करने की, वो डे वन से देता है। बट जब भी डिपार्टमेंट, व्हेन एवर देयर इज अ डिपार्टमेंट इज लायबल टू पे सम मनी टू द पर्सन, तो उनके पास एक टाइम लिमिट होती है, देयर इज 3 month टाइम लिमिट फॉर द रिफंड। उसके बाद वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने विद इन टाइम लिमिट पे नहीं किया, उसके बाद दे विल पे विद द इंटरेस्ट अमाउंट। ये बात बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ये बात बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि अगर 3 months तक पे कर दिया तो डिपार्टमेंट विल बी पेइंग नो इंटरेस्ट टू द पर्सन। अगर उन्होंने विद इन 3 months नहीं रिफंड किया, देन दे आर लायबल टू पे विद द इंटरेस्ट ओनली। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द इंपोर्ट्स वर मेड बाय इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए इंटरेस्ट किया है, द अमाउंट ऑफ ड्यूटी फाउंड रिफंडेबल इज पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ पेड
इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। देखो ऑब्वियस सी बात है ना, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कब जाती है कोई चीज, जब अनजस्ट एनरिचमेंट की बात होती है, मतलब अननेसेसरी कोई और पर्सन बेनिफिट ना ले ले जबकि उसका बर्डन किसी और ने लिया है। मतलब ड्यूटी तो किसी और ने भरी है, ड्यूटी की लायबिलिटी किसी और ने पे करी है, बट उसका उसका जो रिफंड है वो कोई और ले रहा है, वो अनजस्ट एनरिचमेंट की बात हो जाती है। बट ये क्या कह रहा है, इफ द इम्पोर्ट्स वर मेड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मैंने करा था, अनजस्ट एनरिचमेंट की बात ही नहीं है, तो मैं बिकॉज मैंने बर्डन पास ऑन ही नहीं किया होगा, जब मैंने बर्डन पास ऑन ही नहीं किया तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा क्यों जाएगा, क्योंकि अनजस्ट एनरिचमेंट की तो बात ही नहीं है वहां पे। तो अल्टीमेटली किसको रिफंड दे दिया जाएगा, एप्लीकेंट को रिफंड दे दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा कब जाएगा, जब अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो रहा हो, जब अनजस्ट एनरिचमेंट हो रहा हो। एंड अनजस्ट एनरिचमेंट कब होगा, जब आप अपना बर्डन किसी और पे पास करो, पर्सनल यूज के केस में आप बर्डन किसी और पे पास कर ही नहीं पाओगे बिकॉज यू हैव पेड द ड्यूटी एंड यू हैव कंज्यूम द गुड्स योर सेल्फ, है ना। तो आपने बर्डन पास ऑन किया नहीं है तो अल्टीमेटली आपके पास, आपने ही बर्डन उसका बॉर्न किया है, तो अल्टीमेटली जो रिफंड भी है वो आपको ही दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर द रिफंड हैज टू बी मेड विद इन द 1 ईयर पेमेंट वेयर द ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट। नो, जो रिफंड की एप्लीकेशन होती है विद इन 1 ईयर तो हमने लगानी होती है रेलिवेंट डेट से, बट एक एक्सेप्शन है, अगर आपको नहीं भी आ डू नॉट वरी, अब रन कर लीजिए। एक एक्सेप्शन क्या है, जब ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे करते हो तो उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो ये नहीं है, उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, बिकॉज प्रोटेस्ट का कब वो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखी जाएगी बात, है ना। तो ये 1 ईयर क्या है, 1 ईयर टाइम लिमिट नहीं है। कब टाइम लिमिट नहीं है, मैं सर रिपीट कीजिए, जब ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे की हो, जब ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे की हो, गेटिंग माय पॉइंट ना, जब ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे की हो। उसके बाद चलिए, उसके बाद मेरे साथ फटाफट से रिपीट कीजिए एक बार, क्या क्या पॉइंट्स हमने लर्न किए, थोड़े न्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है, जब डिपार्टमेंट तभी आपको इंटरेस्ट देगा जब उसने विद इन टाइम लिमिट आपको रिफंड नहीं किया है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा तब जाएगा व्हेन देयर इज अ पॉइंट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, बट व्हेन यू हैव इंपोर्टेड द गुड्स एंड यूज फॉर योर पर्सनल यूज ओनली, देन देयर इज नो केस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, अल्टीमेटली देयर इज नो केस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड ऑल्सो। नेक्स्ट, अगर क्या है, एप्लीकेशन फॉर द रिफंड, रिफंड की एप्लीकेशन आपने जो लगानी है, 1 ईयर का पेमेंट का टाइम नहीं है। क्यों कब नहीं है, जब ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे की हो, जब ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे की हो, देन देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द एप्लीकेशन टू बी फाइल फॉर द रिफंड विद इन 1 ईयर ऑफ द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, क्या कह रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इफ द रिफंड ऑफ ड्यूटी इज रिलेटेबल टू द ड्यूटी ड्रॉबैक पेड अंडर 7475, नो 7475 की डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इफ द रिफंड ऑफ ड्यूटी इज रिलेटेबल टू द ड्यूटी ड्रॉबैक पेबल। नो, अगर अगर ध्यान रखना, ड्यूटी ड्रॉबैक वाला अगर केस है 7475, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक्सेप्शन गिवन है कब कब डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा, वेन एवर ड्यूटी इज ड्यूटी ड्रॉबैक का केस है, तो अनजस्ट एनरिचमेंट का डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसने क्या बोला है, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इफ द रिफंड इज रिलेटेबल टू द 7475, नो डॉक्ट्राइन एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता ड्यूटी ड्रॉबैक वाले केस में, अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता इन द केस ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक। तो थ्री एंड फोर्थ पॉइंट मस्ट बी द आंसर, थ्री एंड फोर मस्ट बी द आंसर। इसने क्या पूछा था, इनकरेक्ट चीजें पूछी थी, तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो भी इसने करेक्ट बोला था, सेकंड पॉइंट था, एक बार पढ़ लेते हैं, सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट बोला था, थर्ड पॉइंट इन्होंने गलत बोला था। इन्होंने बोला एप्लीकेशन फॉर द रिफंड हैज टू बी मेड विद इन 1 ईयर
ऑफ द पेमेंट वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट, नो इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो उसके बाद ये भी गलत था, अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, अनजस्ट एनरिचमेंट का केस एप्लीकेबल नहीं होता है इन द केस ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक। अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है कि आपने बर्डन पास ऑन कर दिया है एंड नाउ यू आर क्लेमिंग द रिफंड फॉर द गुड्स, उसकी अनजस्ट एनरिचमेंट की एक्सेप्शन में डाला गया है ड्यूटी ड्रॉबैक को, अनजस्ट एनरिचमेंट की एक्सेप्शन में डाला गया है ड्यूटी ड्रॉबैक को। सी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 102। 102 पे मूव करते हैं, फिर देखते हैं अपने एक बार आंसर्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है वो बतानी है, करेक्ट हम साथ साथ करते चलेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज व्हेन द आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया एट मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। क्या नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा पे किया जाता है, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा पे डंप किया जाता है इंडिया में? नो, नॉर्मल वैल्यू से क्या किया जाता है, कम पे डंप किया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगती है, जब कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते में आ रहा है, इंडिया में चीपर रेट में आ रहा है, तो ये तो गलत बात कर रहा है, बिकॉज ये क्या कह रहा है, एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया एट मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। नो, डंपिंग की बात हो रही है, लेस देन द वैल्यू अगर वो डंप करते हैं देन एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज सेड टू हैव टेकन प्लेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विदाउट एनी चेंज इन द रीसेल प्राइस ऑफ सच आर्टिकल इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री। देखो, सबसे पहले बात ध्यान रखना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी किसको कहेंगे, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है, वन सेकेंड प्लीज। देखो क्या होता है, एक है एक्सपोर्ट कंट्री ए एंड इंपोर्ट कंट्री है मान लो इंडिया बी। ठीक है, इंपोर्ट कंट्री है इंडिया, जब एक्सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री गेट डिक्रीज, एक्सपोर्ट प्राइस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाए, मतलब वो पहले 100 में बेच रहे थे तो अब वो 90 में बेच रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री गेट डिक्रीज विदाउट एनी चेंज इन द रीसेल प्राइस इन इंडिया, विदाउट एनी चेंज इन द रीसेल प्राइस इन इंडिया, मतलब इंडिया में रीसेल प्राइस चेंज नहीं हुआ है, इंडिया वाले उतने में बेच रहे हैं, बट एक्सपोर्ट प्राइस को क्या करा इन्होंने, एक्सपोर्ट प्राइस को क्या करा, कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि इंडिया वालों ने कुछ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई थी, उस ड्यूटी को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट प्राइस कम कर दिया ताकि उतने में ही बात बन जाए। इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया में क्या होता है, व्हेन एवर देयर इज अ इंपोर्ट ऑफ समथिंग काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगी, इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपोर्ट प्राइस को कम तो कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट प्राइस कम हुआ है तो रीसेल प्राइस इन इंडिया भी कम होना चाहिए, बट दे आर नॉट रिड्यूसिंग द रीसेल प्राइस इन इंडिया, एक्सपोर्ट प्राइस तो कम हो गया ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी बट विदाउट एनी चेंज इन द रीसेल प्राइस इन इंडिया। इसको बोलते हैं कि उन्होंने प्राइस को कम किया टू एब्जॉर्ब द काउंटरवेलिंग ड्यूटी, उन्होंने एक्सपोर्ट प्राइस को कम किया टू एब्जॉर्ब द काउंटरवेलिंग ड्यूटी, दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द काउंटरवेलिंग ड्यूटी सेट टू हैव टेकन प्लेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस विदाउट एनी चेंज इन द रीसेल प्राइस इन इंडिया, विदाउट एनी चेंज इन द रीसेल प्राइस इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल इंपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टेड कंट्री। करेक्ट बात है, विदाउट एनी, आपने रीसेल प्राइस तो चेंज नहीं करा बट एक्सपोर्टिंग कंट्री ने अपने एक्सपोर्ट प्राइस को कम कर दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट बात इसने बोली है। सेम
सेफ गार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी इम्पोज ऑन आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इफ द शेयर ऑफ इम्पोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल फ्रॉम दैट कंट्री लेस देन इक्वल टू 3%। हमने क्या कहा था, सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है टू सेव द इंटरनल इंडस्ट्रीज, बट डेवलपिंग कंट्री से अगर आ रहा है, डेवलपिंग कंट्री से अगर आ रहा है एंड वो शेयर कितना है, लेस देन इक्वल टू 3%, वन कंट्री से लेस देन इक्वल टू 3% है एंड मोर देन वन कंट्री से अगर आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू 9% अगर रहता है, देन सेफ गार्ड ड्यूटी शेल नॉट बी इम्पोज, देन सेफ गार्ड ड्यूटी शेल नॉट बी इम्पोज ऑन द आर्टिकल्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है, अगर उस कंट्री से जो इम्पोर्ट हो रहा है उसका शेयर कितना है, लेस देन इक्वल टू 3% है, तो ओके हम सेफ गार्ड ड्यूटी को इम्पोज नहीं करने वाले हैं। लेट्स मूव टू द डी पॉइंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट द नोटिफाइड क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल इम्पोज्ड फ्रॉम एनी इम्पोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री इन टू इंडिया फ्रॉम द सेफ गार्ड ड्यूटी। बिल्कुल गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी पावर है कि वो ऐसे ऐसे कर सकती है। तो अभी तक ए वॉज आर इनकरेक्ट आंसर, आई होप आपको करेक्ट पता चला होगा। माई पर्पज इज टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर, आई वॉन्टेड सो दैट कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। अभी जो मिस्टेक्स है, रटना नहीं है कि ये गलत है, यू मस्ट हैव नोन दैट कि सही क्या है ना, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे कि आप तब वो मोल्ड होकर आ जाए तो सही आपको पता होगा, देन यू विल बी एबल टू रिकोगनाइज ये सी मिस्टेक है। चलिए उसके बाद लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 101। वन जीरो वन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिफंड अंडर सेक्शन 27 क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कब कब कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कब जाता है, व्हेन देयर इज अ अनजस्ट एनरिचमेंट। अभी हम केस देखेंगे कि अनजस्ट एनरिचमेंट कब कब हो रहा है। अनजस्ट एनरिचमेंट में क्या मतलब है, आपने बर्डन पास कर दिया बट स्टिल आप उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हो, बट स्टिल आप रिफंड का बेनिफिट लेना चाह रहे हो। इफ द इंपोर्टर प्रूव्स दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, जब आपने प्रूव कर दिया कि कुछ भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, एक्चुअली आई हैड बोर्न द बर्डन ऑफ द ड्यूटी, तो मुझे अलाउ होना चाहिए, देयर इज नो काइंड ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज देयर, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा जाएगा, नहीं जाएगा, बिकॉज यू हैव प्रूव दैट, यस यू हैव प्रूव दैट, ठीक है। उसके बाद वेयर द गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द नॉन पर्सनल यूज एंड आप अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रूव ही नहीं कर पाए, आई वॉज नॉट एबल टू प्रूव दैट, यस आई वॉज द वन हु हैड बोर्न द बर्डन ऑफ द ड्यूटी, मतलब मैं प्रूव ही नहीं कर पाई कि देर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, मैं प्रूव ही नहीं कर पाई। देखो पर्सनल के केस में तो आपको ही मिलेगा, बिकॉज पर्सनल के केस में तो अल्टीमेटली एनी विच वेज आपने ही बर्डन की ड्यूटी की ड्यूटी का बर्डन बोर्न किया होगा, बट इन केस ऑफ नॉन पर्सनल में मतलब आपने गुड्स को बर्डन पास ऑन किया, आपने ड्यूटी का बर्डन पास ऑन किया है, जब आपने ड्यूटी का बर्डन पास ऑन किया देन यू आर लायबल टू प्रूव दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। अब गुड्स मैंने नॉन पर्सनल यूज के लिए ली थी बिल्कुल, और ऊपर से मैं प्रूव भी नहीं कर पाई कि दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, तो अल्टीमेटली क्या पैसा मुझे मिलेगा, नहीं, बिकॉज मैं प्रूव ही नहीं कर पाई हूं कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, मुझे ही ड्यूटी का पैसा दो, मैंने ही ड्यूटी बोर्न की है, मुझे ही ड्यूटी का पैसा दो, तो अल्टीमेटली यहां पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज उसने करेक्ट बात की है। उसके बाद इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड रिलेट्स टू ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर 74-75, ये बात हमने अभी डिस्कस की है, अनजस्ट एनरिचमेंट की एप्लीकेशन से एक्सेप्शन किसको मिली हुई है, ड्यूटी ड्रॉबैक के केसेस को, जब अनजस्ट एनरिचमेंट की एप्लीकेशन ही नहीं होनी तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड की में पैसा जाने की बात ही नहीं होनी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा जाने की बात ही नहीं होनी है, ठीक है। उसके बाद इफ द अमाउंट रिलेट्स टू द ड्यूटी पेड इन एक्सेस, अगर एक्सेस में ड्यूटी पे कर दी, एविडेंट है बिल ऑफ एंट्री से, एविडेंट है आपको पता चल रहा है एक्सेस में है बाय द इंपोर्टर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिफंड अंडर सेक्शन 27 इज क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। देखो इफ द अमाउंट रिलेट्स टू द ड्यूटी पेड इज इन एक्सेस, आपने ड्यूटी एक्सेस में पे कर दी है, जो कि दिख भी रहा है आपको, जो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम दैट बिल ऑफ एंट्री बाय द इंपोर्टर बिफोर एन ऑर्डरिंग
ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। ऑब्वियस ही बात है, जब आपका गुड्स क्लियर ही नहीं हुई है, आपने किसी को ट्रांसफर ही नहीं किया होगा बर्डन, अल्टीमेटली आपने ज्यादा पे कर दिया तो रिफंड भी आपको मिलेगा, बिकॉज दिस इज क्लियरली एविडेंट दैट, है ना। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा जाने की कोई भी बात नहीं हो रही है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा कब जाएगा? व्हेन देयर इज अनजस्ट एनरिचमेंट। एंड ये बात बार बार ध्यान रखना, सेक्शन 74-75 ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक इज द एक्सेप्शन फ्रॉम द अनजस्ट एनरिचमेंट। आई होप आपको समझ में आए। एक बार लेट्स चेक द आंसर्स फटाफट से, सो दैट देर इज नो डाउट रिमेन्स इन एनी काइंड ऑफ आंसर्स। बी ए सी डी सी। बी ए सी डी सी, यस। बी ए था इसका आंसर, है ना, बाकी सब तो करेक्ट थे। बी ए देन सी देन डी देन सी। यस, वी आर डन विद आर एमसीक्यू स्टिल अप टू 105। रेस्ट ऑफ द 5 आई विल बी ट्राइंग टू कवर टुडे ओनली, बिकॉज कल से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।